दादा ऑल चेक, तो शुरू करेंगे मैम। ऑल चेक, दी कैलाश यात्रा टेक वन एंड एक्शन। गुड मॉर्निंग गाइस, सो हम हैं यहाँ पे अतिथि व्यास होम स्टे में। करेक्ट बोला था ना, अतिथि व्यास होम स्टे है। टू आवर्स लेटर। गुड मॉर्निंग गाइस, सो वी आर एट अतिथि व्यास होम स्टे टुडे, एंड इसको मैनेज किया जाता है, दिस इज ओन्ड बाय आर युग नव्याल। ये अभी कितना टाइम हो गया इसको स्टार्ट हुए हुए? एक साल हो गया, ये दूसरा साल। तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, एंड यहाँ पे काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ भी तुम लोग फेस करते रहते हो, क्योंकि काम सिर्फ 6 महीने होता है। हाँ, तो 6 मंथ एक्टिव टूरिस्ट आते हैं, एंड 6 मंथ ये लोग खुद नीचे माइग्रेट कर जाते हैं टूवर्ड्स धारचूला एंड पिथौरागढ़। एंड ऑल्सो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, बट काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ इन्होंने अभी भी यहाँ पे दे दी है, जैसे कि वेस्टर्न वॉशरूम्स है, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जो एल्डरली लोग आते हैं जिनको नीज प्रॉब्लम होती है। तो ये यंगस्टर्स ऑल्सो लाइक अस प्रेफर कि हमको वेस्टर्न वॉशरूम मिल जाए। खाना बहुत अच्छा है, होमली फूड दे रहे हैं ये हमको, एंड जैसे हमको होता है कि नॉन स्पाइसी चाहिए चाय में बिना मसाले के, तो वो सब हमको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ऑफकोर्स इट इज़ पेट फ्रेंडली है, ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे, देखो ये दूरी यहाँ पे है। ऑल इन ऑल इट्स अ गुड वाइब हियर, इट्स अ गुड ऑरा। अब हम चलते हैं पहले किचन की ओर, दिखाते हैं कि वहाँ पे होम कुक फूड, फ्रेश कुक फूड, और तुम्हारा पहाड़ी की सब्जी बन रही है बता रहा था ना मुझे, वो दिखाते हैं हम आपको। चल अब हम घुसते हैं किचन की ओर। ये क्या बना रहे हैं? आलू मटर की सब्जी। ये हरी वाली मेथी, यहाँ की मेथी है, लोकल मेथी है, यहाँ का ये मटर है, यहीं का मटर। अभी आंटी आप मेरे को बता रहे थे कि ये मेथी बहुत कड़वी होती है। अच्छा, तो फर्क क्या है मतलब वहाँ के देसी मेथी और पहाड़ी मेथी में? पहाड़ी मेथी में थोड़ा कड़वापन होता है, देसी में थोड़ा आलू मिक्स करते हैं ठीक आता है, इसमें थोड़ा कड़वा ही रहता है। आते हैं वो मेथी पसंद करते हैं, यहाँ की लोकल मेथी पसंद करते हैं? कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, पर उनको हम इसे दूसरा कुछ अगर वो चाहते हैं तो फिर हम दे देते हैं। अलग चाहता तो अलग दे देता है। आप खुद बना लेते हैं खाना सबके लिए? जी, सबके लिए मिलके बनाता है भैया, सब मिलके बनाते हैं। हाँ, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और हम सबको बहुत अच्छा लगा कि आपका खाना बहुत स्वाद होता है। गुड मॉर्निंग दाजू को। गर्मा गर्म पराठे के साथ पहाड़ी आलू एंड मेथी, जो आंटी बोल रही थी बहुत कड़वी है, सो नाउ लेट्स सी कि ये कितनी कड़वी है। बहुत टेस्टी है। टेस्टी है? टेस्टी है। चलो थोड़ा सा मेथी भी ले लेते हैं। नहीं, सही है, गुड। नॉर्मल मेथी जैसी है, मतलब हाँ हल्का सा एक टिंज ऑफ कड़वापन है, बट वो हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे इसके, और यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, जगह भी बहुत अच्छी है, बहुत मजा आया, भैया लोग भी बहुत प्यारे हैं। कैसा लगा आपको? बेटी है, घर का खाना याद आ रहा है, सेम वैसे ही है, हम भी ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हमें लग ही नहीं रहा है हम कहीं बाहर हैं घर से, बहुत अच्छे लोग हैं। ओके भाई, इतनी अच्छी है पहाड़ी मेथी, ये कहते हैं कि शुगर वगैरह में भी अच्छी होती है, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी है। और आइए ये होम स्टे में, युग और उसकी फैमिली बहुत फ्रेंडली भी है, और बहुत अच्छा आपको फील कराती है, फील गुड, फील होम, ऐसे फिर होता है हमें, होम सिकनेस नहीं होती है। आप भी ज़रूर आइए, खाइए, थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा कड़वा, हाँ वो मेथी का यहाँ का नेचुरल टेस्ट है। ओके चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितनी कैपेसिटी है यहाँ पर? कैपेसिटी भी जो हमारा जो ये पुराना वाला है, ये रेड वाला, हाँ। उसमें हर रूम में पांच बेड है, मतलब इन टोटल 6 रूम है, हाँ। तो 30 मान लीजिए, 30 तो एडल्ट और हाँ। किड्स अलग से रुक सकते हैं, मतलब हाँ। साथ में है ना, किड्स तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, चलो ये बढ़िया हो गया। और अभी जो नया वाला बन रहा है, हाँ। उसमें भी सेम कैपेसिटी है या उसमें ज्यादा बड़ा या छोटा है? उसमें लगभग सेम है, ऑलमोस्ट हाँ। सेम है, और उसमें यह है कि वॉशरूम अटैच है, हाँ। वो बहुत बढ़िया, वो हाँ वो चीज़ बहुत चलते हैं नेक्स्ट। यस यस, तो कवर्ड है, पर जो उसमें एल्टीट्यूड है
वो 7146 मीटर वो नेपाल में उसका टॉप टॉप है वो दिख रहा है वैसे। और ये जो हमारे जंगल है इसे कहते हैं गुंदाजारा जंगल कहते हैं। और जो मंदिर है ये मनोकामना मंदिर, मनोकामना तो ये सिर्फ गांव वालों के लिए कि बाकी सब जा सकते हैं। ओम पर्वत भी यही साइड पे है ना? ओम पर्वत यहाँ से बुद्धी से थोड़ा 18 किलोमीटर अप्रॉक्स। अच्छा, और फिर ये हमारा गांव है नाभी। दिस इज दैट ब्यूटीफुल विलेज नाभी, इतना सुंदर है ये। हाँ, जहाँ पे सारे नभियाल लोग रहते हैं। तो आपको अभी नेक्स्ट टाइम कहीं भी कोई नभियाल मिले तो बोलना फ्रॉम नाभी। न्यू प्रॉपर्टी में जाएंगे फिर, चलो लेट्स गो। बाय गोस्ट, चलो चलो आजा बेल, आजा बेल, आजा आजा आओ आओ आई भी जल्दी आओ आई भी, चलो 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 आई भी, चल जा आई भू आई भू आई भू, चल आजा जल्दी आओ जल्दी 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 आजा आजा आ चलो आजा मेन जल्दी आओ आजा मेन टी। तो भैया वो अभी हमारा वो नया बन रहा है उसमें हमारे अटैच वॉशरूम वगैरह है और फैसिलिटीज हम बढ़ा रहे हैं हल्के हल्के, और क्योंकि सिर्फ काम 6 महीने हो पाता है इसीलिए हम एकदम से बढ़ा नहीं सकते, तो फिर हल्के हल्के हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बेटर से बेटर कर सकें। और बस ये हमारा लॉन एरिया है, यहाँ पे जैसे आप बॉनफायर करके डांस वांस या कुछ भी ग्रुप एक्टिविटीज कर सकते हो। हाँ, क्योंकि जिस दिन हम आए थे ना उस दिन यहाँ पे जो फैमिली आई थी वो रात को क्रिकेट खेल रही थी और बॉनफायर, हाँ बॉनफायर अलग से, मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा था कि मैंने कहा इतने थकार के धारचूला से आए हैं उसके बाद चिल कर रहे हैं वो अपने तरीके से, देखो प्ले क्रिकेट। सो यहाँ फैमिलीज बड़े ग्रुप्स के लिए भी बहुत एम्पल प्लेस है आपके पास यहाँ। सो चलो अब हम दिखाते हैं आपको। भैया ये हमारा रूम है, ये नया रूम है और वॉशरूम इसके अंदर है। अभी इसमें काफ़ी सारा काम बचा, फिनिशिंग बचा हुआ है, अभी हमारा रेडी है। और अभी ये रूम अभी भी चेकआउट किया है तो थोड़ा मेसी है। तो युग तुम्हारा सिर्फ यहीं पे है कि तुम्हारा तुम ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हो या टूर पैकेजेस कुछ है तुम्हारे ऐसे? हाँ बिल्कुल है, और जैसे हमारी जो ट्रैवल एजेंसी उसका नाम है ओम टूर एंड ट्रैवल्स, तो वो हम करते हैं यात्रा वात्रा करवाते हैं, हम कराते हैं हल्द्वानी से कराते हैं, हल्द्वानी टू हल्द्वानी कराते हैं, धारचूला टू धारचूला कराते हैं, डिपेंड्स ऑन पैकेज की आप कौन सा लेते हो। और ये हमारी पूरी टीम है, जैसे ये हमारा होम स्टे, हमारे नाभी का कैंप है और हमारे कुटी में एक कैंप है जहाँ पे आप नेक्स्ट कैंप रुकते हो। हाँ। और उसके बाद हमारे ज्वालिंगकंग में जब आप आदि कैलाश करके जब यात्रा करके आप आते हो परिक्रमा करके, तो फिर वापसी में जो आपका लंच होता है हम अपना ज्वालिंगकंग कैंप लगाते हैं। सो कभी भी आप यहाँ का प्लान बनाओगे तो डेफिनेटली द कॉन्टैक्ट पर्सन इज युग नभियाल, और बाकी हमारे से हमारी पूरी टीम है तो आपको कहीं से कैसे दिक्कत नहीं होगी। एंड यहाँ पे बेस्ट सीजन क्या है आने का? बेस्ट सीजन तो जैसे आप रहता है ये अब मई भी चालू हुआ, मई मिड से लेके जून एंड, अच्छा मई मिड से लेके जून एंड, फिर सेप्टेम्बर अक्टूबर रहता है। कभी कभार लैंडस्लाइड की उससे क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है प्रॉब्लम हो सकती है, पर वो भी सब अपडेट कर देंगे कि कब आना बेस्ट है। सो गाइस ये मैंने आपको दे दिया वॉक अराउंड ऑफ अतिथि होम स्टे जो कि है हमारे युग नभियाल का, एंड दिस इज इन नाभी विलेज। एंड अगर किसी को ऑफ राइडिंग भी करनी है जो लद्दाख से बोर हो चुके हैं, डू डेफिनेटली विजिट दिस वैली एंड आई एम श्योर यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। बाय बाय, नमस्ते। सो हम कर रहे हैं बाय बाय नाभी विलेज से, जा रहे हैं अभी हम ओम पर्वत, एंड ओम पर्वत से हम सीधा सीधा निकल जाएंगे टुवर्ड्स धारचूला, दैट इज द अतिथि होम स्टे एंड दिस इज द नाभी विलेज। सो अब हम यहाँ से करते हैं बाय बाय नाभी विलेज को, taking good memories along with us and hoping to return very soon, and now we'll see you from Parvat. Bye. पहुंच गई हमारी सवारी ओम पर्वत। मिंटी ओ मिंटी गॉगल्स पहने का, हेलो मिन गॉगल पहने का मटमेला मिन, रुक जाओ यार आई वो वेट करना, आई वो
और हम एज यूजुअल सबसे लास्ट है यहाँ पे, तो अच्छा है वैसे, थोड़ी सी भीड़ भड़क का कम है तो टेंशन नहीं रहती है आईवी लोगों के साथ स्पेशली। एंड अभी हम आगे को चले, वो मम्मा लोग तो वहाँ पहुँच भी गए हुए। ओम पर्वत नाभि ढंग आदर्श ग्राम सभा जी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी टोली निकल पड़ी आगे को। लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस इस टाइम का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। लास्ट टाइम हमारी ओम पर्वत में इतने सारे डॉग्स ने करी थी और इस बार थैंकफुली कोई नहीं है तो शांति है, तो एटलीस्ट बच्चे फ्रीली रह पाएंगे विद नो चाचा पैपा। ये देखो सुंदर है यार, कितना सुंदर है, ब्यूटी लाइज एवरीवेयर। लास्ट टाइम हमने ये वाले ढाबे में खाना खाया था, मैगी वैगी, तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। यात्रा हुई पूरी आदि कैलाश ओम पर्वत की, और बताइए कैसा रहा माँ लोग? बहुत सुंदर, हमने ओम पर्वत के दर्शन किए। हाँ देव जी के दर्शन हो गए। हाँ हाँ हो गया, चलो बढ़िया। और छोटा बेबी, छोटा बेबी कुछ कहना चाहेगा क्या? हाँ ओहो एंड थैंक यू यू एंड टीम कि इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देने के लिए हमको। एंड हमारा पूरा जर्नी जो ये दो तीन दिन हम साथ गुजारे एकदम स्मूथली, थोड़े से ग्लिचेस आए बट दैट इज ओके, वो हर ट्रिप का पार्ट है, बट थैंक यू सो मच। अरे शंकर दा आप बताओ, बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई है सामने में। लोग बोलेंगे हर बार में यही डायलॉग मारे, डायलॉग चेंज करो, कुछ और बताओ, कुछ एक्सपीरियंस बताओ। नहीं मैं एक जरूर बोलना चाहूंगी, जैसे किसी अमीर खुसरो ने कहा है कश्मीर के लिए कि धरती पे अगर स्वर्ग है तो यही है, तो अमीर खुसरो शायद उत्तराखंड नहीं आए होंगे तो इसलिए उन्हें वो अनुभव नहीं हुआ होगा कि धरती पे अगर स्वर्ग है तो उत्तराखंड में यही है, यही है। बिल्कुल आई सेकेंड दैट कम्प्लीटली, बिकॉज जैसे हम भी अभी काफी बाइक पे घूमे वगैरह, इवन लेह लद्दाख वगैरह गए, तो लोग ऑफ रोडिंग के लिए वहां जाते हैं। आई एम लाइक तुम एक बार यहाँ आके देखो तुम्हें पता चलेगा ट्रू ऑफ रोडिंग होती क्या है, बट ठीक है धीरे धीरे अभी लोगों को पता चल रहा है, थोड़ा सा बोलते ना अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, सो वी आर होपिंग कि अभी हम जल्दी जल्दी तुम्हारे पास दोबारा से आए। एंड अब हम दूसरे वेदर में आएंगे, क्यों सर आप बार बार कैमरे के पीछे थे, अब बताओ कैमरे के, हेलो एक्सक्यूज मी, कैमरे के आगे आके कैसा लग रहा है अब, कुछ एक्सपीरियंस बताओ। हाँ मेरा दूसरा बार है, रोज का हो गया ये रोज नहीं होता। यस दैट इज समथिंग डिफरेंट, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आप कह सकते हो। ये देखो अभी भी ओम पूरा, अरे बादल हट गए सॉरी इनको बिना बादल के देखना था। राशन आ गया लाइट आ गई एंड ये है कैलाश होटल नाभिढंग। यहाँ हमने लास्ट टाइम भी रुके, यहाँ भाभी थी एक लास्ट टाइम। हाँ क्योंकि हाँ सीधे तिब्बत है, नो एरियल व्यू, एरियल डिस्टेंस, रोड डिस्टेंस। अच्छा ओके तो ठीक है, तो ये लास्ट गांव है एंड ये लास्ट ढाबा है,
ढाबा सॉरी, हाँ नाभी ढांग करके कैलाश होटल है। यहाँ पे चाय तो भैया बहुत ही बढ़िया देते हैं, आज हमने और कुछ खाया नहीं लेकिन चाय बहुत बढ़िया मिलती है। एंड यहाँ ओम पर्वत के दर्शन करते करते आप चाय पी सकते हो यहाँ बैठे बैठे। एंड अब हम रखते हैं एंड अब हम बाय बाय करते हैं। See you guys. See you. और हम सब लोग वापस लौटते हुए, हमारी गाड़ी है सागर भैया हमारे, हमको बहुत प्यार से एकदम बढ़िया तरीके से लेके आए हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो, व्यूज पसंद आए हो जो आपने देखे, हमने जो कैप्चर किए हैं। और कुछ आपको हमको कमेंट में कुछ कहने का मन करे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, चाओ।